स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। WBJEE काउंसलिंग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स WBJEE का एग्जाम्स दिया है, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कैसे कैसे काउंसलिंग्स करनी है और उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देन आपका इसमें क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा ऐसा डाउट है कि मैम मैं WBJEE में कैसे अप्लाई करूं, क्या मैं वहां पे एडमिशन्स ले सकता हूं, क्या मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, मैंने WBJEE का एग्ज़ाम दिया, मैं अदर स्टेट से हूँ। तो ये सारे डाउट्स जो बच्चे अभी तक मुझे मेल्स कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, ये सारे डाउट्स को आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, एंड में अगर अच्छी लगे तो एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको यहाँ पे काउंसलिंग्स के बहुत सारे ऐसे अपडेट्स मिलते रहते हैं। WBJEE से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अब जितने भी राजस्थान या आपके उत्तराखंड या जितने भी स्टेट की काउंसलिंग्स होने वाली हैं उनके भी ऐसे ही हम सिमिलरली आपको वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी रजिस्टर हो चुके होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की हम थोड़ी सी डेट्स अगर यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो आपकी डेट तो बहुत पहले आ जाए थोड़ा सा ये आपके पास यहाँ पे जितने भी बच्चों के पास अभी तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये भी डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि ये डेट्स अगर आपसे मिस हो जाती हैं तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है पार्टिसिपेट करने में। तो आपका यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आने वाला है, तो 19 अगस्त को आएगा इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फर्स्ट राउंड का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा जब रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग्स। तो 16 आपकी लास्ट डेट है फिलहाल, तो अभी आपके पास समय है, आपके पास 16 तारीख तक का एक दिन का दो दिन का समय है, आप अभी भी इसको कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, हम पहले तो स्टेट जो आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं WBJEE की काउंसलिंग्स में। तो आपका है फर्स्ट ऑफ ऑल कूचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कूचबिहार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल बहरामपुर, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेरामिक कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल सेरामपुर, बहरामपुर एंड सेरामपुर दोनों में अलग अलग कॉलेजेस हैं, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रामकृष्णा महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेजेस आपके बच्चों पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की हमने बात कर ली। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका और आपका मकाओ, देन आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुड़गांव, देन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, देन आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी, देन अलिया यूनिवर्सिटी, काजी नजरौल यूनिवर्सिटी, असनसोल। तो ये आपकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेरिटेज आपका जो कि ज़्यादातर बच्चे प्रीफर भी करते हैं अगर प्राइवेट की हम बात करें वहाँ पे, तो हेरिटेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम देखते हैं इसकी प्राइवेट एज अ प्राइवेट में। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ऐसे एज सच फीस यहाँ पे नहीं रहती है, बाकी आपको प्लेसमेंट एंड पैकेज देखने का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो साउथ के जो आपके नॉर्थ के रीजन के भी कॉलेजेस हैं या कुछ कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो आपके GFTI कॉलेजेस हैं, तो GFTI कॉलेजेस के ऑलमोस्ट जो लमसम पैकेज रहता है वो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ मिल जाता है यहाँ पे भी पैकेज ठीक ठाक अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे देख लेते हैं। तो हेरिटेज नंबर वन पे बच्चे मोस्ट प्रेफर करते हैं अगर हम प्राइवेट में यहाँ बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता ये भी अच्छा कॉलेज माना जाता है, ये भी अच्छा है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी अच्छा गुड इंस्टीट्यूट है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी हुगली में बना हुआ है, NIT कोलकाता, नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपका बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, देन आपका नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज गरिया में बना हुआ है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, देन आपका दुर्गापुर में बना हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता, देन आपका इंस्टीट्यूट है अबैकस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हुगली। ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये थोड़े से ठीक ठाक भी हैं और इनको आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं आपको इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि ये इंस्टीट्यूट्स में कैसा प्लेसमेंट रहता है और इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड इसमें जितने भी एलुमिनाई नेटवर्क है, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनको वेबसाइट्स में आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए जब भी आप चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर अपना सेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर आप उसी अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा
जो कि आपको लगता है, आपको लगता नहीं, आपको पता है कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसी अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो इसको चॉइस फिलिंग्स में। तो रैंक आपकी डब्ल्यू बी जे ई में जितनी भी स्टूडेंट्स हो उसको आपको रैंक को बेस्ट वे में यूज़ करना है। और बेस्ट वे में यूज़ करने का मतलब है कि आपकी चॉइस फिलिंग जो आप सेट कर रहे हैं, अपनी चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर, ब्रांच का ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही चॉइस फिलिंग अपनी अटैम्प्ट करनी है। नेक्स्ट हम देखें अगर इसमें कैटेगरी और रिजर्वेशन का थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो जो आपका डब्ल्यू बी जे ई जो आपका होम स्टेट से आपकी जो ये स्टार्ट हुई है, तो ये आपके रजिस्ट्रेशन तो 16 तक आपके चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही साथ आपका जो इसमें थर्ड पहले आपके जो राउंड्स, हर राउंड लास्ट ईयर्स में क्या होता था स्टूडेंट्स कि डिफरेंट राउंड्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट आपका इस बार डब्ल्यू बी जे ई में क्या है कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है तो ही आप आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉपअप राउंड तक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एंड तक काउंसलिंग से प्रयास कर सकें और गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। फिर से बता दूँ जो डोमिसाइल है, अगर आपके पास डब्ल्यू बी जे ई, अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आप डब्ल्यू बी जे ई में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, वरना आप प्राइवेट में ही एडमिशन्स ले सकते हैं। ये मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, थर्ड मॉपअप राउंड, ये आपके राउंड्स होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में बहुत ज़रूरी है, 300 रुपये इसमें फीस है आपकी, और सीट एक्सेप्टेंस है 5,000 रुपये जमा होंगे बच्चों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका कॉलेज में ही करवाया जाएगा, जो किसी भी कॉलेज में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, जो भी आपको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा ड्यूरिंग काउंसलिंग्स, तो आप वहाँ जाके अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो 5,000 जो आपकी एक्सेप्टेंस फीस है, जो आप अगर आपने कोई सीट आपने चॉइस फिलिंग में करी है और वो आपको मिल गई है राउंड में, तो आपको वो एक्सेप्ट करने के लिए 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और 10% सीट्स होती हैं आपकी जेई मेन से, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं बाय जेई मेन्स रैंक। तो ये आपके डाउट हो गया क्लियर कि आपको डब्ल्यू बी जेई से आपको कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, तो आपको प्राइवेट में कौन से मिलेंगे और गवर्नमेंट में कैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें अगर नेक्स्ट आपका है आफ्टर अलॉटमेंट क्या रहेगा। आफ्टर अलॉटमेंट आप जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कॉलेज का, या तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या आप उसको फ्रीज़ कीजिए, 5,000 रुपीज़ पे करके उस सीट को ले लीजिए, या फिर आप अपग्रेड कीजिए, उसके लिए भी आपको फीस, जो आपकी सीट है उसके लिए आपको सीट को फिक्स करना पड़ेगा, तब आप उसमें अब आगे का अपग्रेडेशन कर सकते हैं। मॉपअप राउंड की भी 200 रुपीज़ फीस रखी गई है। अच्छा, अब जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो सीट्स रहेंगी वो आपकी 80% सीट्स जो आपकी हैं वो डब्ल्यू बी जे ई के रिजल्ट से ही आपकी 80% सीट्स भरी जाएंगी स्टूडेंट्स, एंड 10% आपकी जे ई मेन्स है, एंड 10% आपका मैनेजमेंट कोटा से है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स रहती हैं वो 100% डब्ल्यू बी जे ई से ही ली जाती हैं। तो बच्चों, जो आपने डब्ल्यू बी जे ई का एग्जाम्स दिया है तभी आप सोच सकते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, और आप 100% जो सीट्स हैं वो डब्ल्यू बी जे ई से ही जो लेने वाले हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपनी चॉइस फिलिंग्स का प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग्स का भी जो प्रेफरेंस ऑर्डर स्टूडेंट्स रहने वाला है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इस वीडियो में। डब्ल्यू बी जे ई की अगर हम चॉइस फिलिंग्स में बच्चों जाएंगे, तो चॉइस फिलिंग्स में आपको कैसे, आपको नंबर वन पे आपको कौन से कॉलेजेस रखने हैं, देन आपको ब्रांचेस का क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। साथ ही साथ बच्चों, जो आपके कॉलेजेस की फ़ीस रहती है या फिर कॉलेजेस में आपका अफोर्डेबिलिटी कितनी है या फिर आपका बजट कितना है, ये सारी चीज़ों के लिए बच्चों आपने लास्ट में एक वीडियो आपको बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर, प्लेस करना है वो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी। नंबर वन पे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी को प्लेस करना है। उसमें भी जो आपकी जो चॉइस फिलिंग्स रहेंगी, अगर आपकी रैंक स्टूडेंट्स 5,000 के क्या अभी आए हो, हम कब बुलाए तुमको, बैठते वहीं पर, फिर तो बैठो इधर, बैठ जाओ इधर, इधर इधर बैठ जाओ। अरे अरे अरे, तो चॉइस फिलिंग्स में अगर हम लोग बच्चों बात करें, तो चॉइस फिलिंग्स में आपको नंबर वन पे कौन सा कॉलेज रखना है, नंबर वन पे आपको बच्चों कॉलेज रखना है जादवपुर यूनिवर्सिटी को। जादवपुर यूनिवर्सिटी को नंबर वन पे आप रखेंगे बच्चों चॉइस फिलिंग्स में। एंड ब्रांचेस का अगर हम प्रेफरेंस देखें, तो सबसे पहले जो ब्रांचेस आपको प्लेस करनी है वो CS IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को प्लेस कर लेनी है। देन अगर स्टूडेंट्स आपकी रैंक 5,000 के विदिन है, तो 5,000 के विदिन में आपको कोशिश करनी है कि आपको
CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ही हो सकता है आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट हो जाए। बाकी आपका जो सेकंड ग्रुप है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल EE मैकेनिकल सिविल एंड फूड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ज़रूर इसमें चांसेस है कि आपको इसमें कोई ब्रांच इसमें मिल सकती है। बाकी आपकी मटेरियल एंड मेटलर्जी, केमिकल, पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड प्रोडक्शन, इसको आप चाहें बच्चों अगर आपकी रैंक 5000 के आसपास है जब WBJEE में, तो आप इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब आप प्लेस करेंगे तो इसकी जो चॉइस फिलिंग में यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर में अपनी ब्रांचेस इनको रखेंगे, तो इनको आप अपनी सेकंड कॉलेज जो अभी मैं बताऊंगी सेकंड कॉलेज किसको प्लेस करना है उसके बाद भी आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो आप इसको बस माइंड में मेकअप रखिए कि इसको आपको जो ये ग्रुप हमने यहाँ पे प्लेस किया है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है किसी भी ब्रांच में प्रिंटिंग में या फिर पावर इंजीनियरिंग लेने में, तो आप इसको पहले प्रीफर कर सकते हो सेकेंड कॉलेज को प्लेस करने से पहले, वरना आप सेकेंड कॉलेज के बाद भी इसको प्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट कॉलेज आपका रहेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हम देखें सेकंड नंबर पे अगर आप इसको प्लेस करते हो तो आपका CSIT, EC and IT, इसको तो आप पहले ही प्लेस कर लेंगे स्टूडेंट्स। बाद में जो सेकंड अपना आप जो ग्रुप रखेंगे वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग EE, इसको आप प्लेस कर सकते हो अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो आपने ब्रांच प्लेस करी है, जब आपने फर्स्ट ग्रुप को जो आपने प्लेस किया था उसके सेकंड ग्रुप में ही आप इसको भी प्लेस कर सकते हो CSIT and EC को। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में आप प्लेस कर सकते हैं पॉलीमर, देन जूट एंड फाइबर, देन ऑयल एंड टेक्नोलॉजी, इसको बाद में आप प्लेस कर सकते हैं लेटर ऑन आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड EE अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो लेने में, तो वरना आप इसको भी बाद में थर्ड कॉलेज के बाद में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। अब वो कैसे प्लेस करना थर्ड कॉलेज का, अगर हम देखें थर्ड कॉलेज आपको कौन सा फिलअप करना है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को आप प्लेस कर सकते हैं। एंड जो हमने अभी डिस्कस किया था आपका लास्ट ब्रांच आपका पॉलीमर साइंस जूट फाइबर एंड, तो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर आप इसमें CSIT and EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को इसको आप प्लेस कर रहे हैं सेकंड नंबर पे जो आपका कॉलेज बताया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो उसमें आप पहले ही ये प्लेस कर लीजिएगा कल्याणी का, देन उसके बाद आप प्लेस करोगे पॉलीमर जूट एंड ऑयल टेक्नोलॉजी को CSIT and EC के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बात समझ में आ गई होगी। देन आप पॉलीमर जूट के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है इस ब्रांचेस में पॉलीमर जूट में, तब आप इसको प्लेस कीजिए। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, इसमें भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि मैं इसमें एडमिशन या मैं इसमें बीटेक इस ब्रांच से करना चाहता हूं, तो आप EE मैकेनिकल को प्लेस कीजिए कल्याणी के कॉलेज की। EE मैकेनिकल को प्लेस करने के बाद आप इसको प्लेस कर सकते हैं जूट ऑयल टेक्नोलॉजी को, अच्छी ब्रांच है इसको, ये इसमें भी स्कोप है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वेबसाइट पे भी ज़्यादा कुछ ऐसा सच मेंशन नहीं है, बट हाँ इसका अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर के रिकॉर्ड में तो स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स अच्छा रिव्यू देते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट हम देखें कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने कवर कर लिया। देन आपका फोर्थ नंबर पे आता है स्टूडेंट्स जलपैगुड़ी को फोर्थ नंबर पे हमने रखा है। देन CSIT and EC इसका हम प्लेस कर सकते हैं टॉप पे। इसके बाद हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड सिविल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने प्लेस कर लिया आफ्टर दिस ग्रुप। मैंने ऐसे ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स इसलिए बना दिया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं CSIT and EC लेने के लिए, तो इसको मैंने एक ग्रुप में रखा है। इसके बाद की जितनी भी ब्रांचेस रहती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सिविल से रिलेटेड है उसको मैंने सेकेंड ग्रुप में प्लेस किया है। एंड इसके बाद जितनी भी प्रिंटिंग एंड आपकी फाइबर जूट से रिलेटेड या फिर मेटलर्जी केमिकल से रिलेटेड ब्रांचेज है उसको मैंने थर्ड ग्रुप में प्लेस किया है। ऐसे ग्रुप में प्लेस करने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, जो आपको पहले प्रेफर करना है वो आपको टॉप पे पोजीशन पे रखना है, जो आपको बाद में प्रेफरेंस देनी है उसको आप बाद में रख सकते हैं। लेकिन कॉलेज की रैंकिंग का अगर हम बात करें तो यही आपकी रैंकिंग अगर आप सेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी आपकी चॉइस फिलिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें कल्याणी यूनिवर्सिटी आपका हो गया फिफ्थ पोजीशन पे और इसका आपका IT हो गया एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, दो ही ब्रांच इसमें है जो कि आप प्लेस कर सकते हैं आफ्टर फोर्थ पोजीशन कॉलेज जलपैगुड़ी के बाद आप इसको प्लेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखें स्टूडेंट्स मकाऊ का अगर हम देखें सिक्स नंबर पे आपका ये आपका पोजीशन रहने चाहिए। CSE, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को आप एक ग्रुप में रख दिया है मैंने यहाँ पे, एंड बाकी की जितनी भी आपकी ब्रांचेज है उसको मैंने नेक्स्ट ग्रुप में प्लेस किया है। तो इसमें भी आप अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इसके बाद प्लेस कीजिए ET के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बाद, देन आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को प्लेस कीजिए आफ्टर इलेक्ट्रिकल, देन आप इसके बाद EE को प्लेस कीजिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इसके बाद आप अपना मैकेनिकल को आप प्लेस, मैं इसमें नंबरिंग कर देती हूँ स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आपका ये हो गया, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 नंबर पे, देन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन 5 पोजीशन पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 6th पोजीशन पे, देन आपका 7th मैकेनिकल एंड 8th आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा
केमिकल, इसके बाद आप टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है आप वैसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांचेस। देखिए क्या है कि मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको कैसे अपनी ब्रांचेस को प्लेस करना है वो आपका ओपिनियन है स्टूडेंट्स, वो अपनी ब्रांच की। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, चॉइस फिलिंग का जो आपका ऑर्डर है ये बहुत अच्छे से आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये आपका चॉइस फिलिंग में अगर बच्चों अभी भी आपको कोई डाउट्स है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी मेल आईडीज में एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप चॉइस फिलिंग्स में आपकी जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं तो वीडियोस के द्वारा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें प्राइवेट कॉलेजेस का कैसे ऑर्डर प्रेफरेंस सेट करना है, प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से आपको सेट करने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर करी है, आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प कर सकती है WBJEE की काउंसलिंग्स अटैम्प्ट करने में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड हमारे जूम सेशंस को आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए, बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प हो पा रही है उस सेशन से और पर्सनल गाइडेंस देने का भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको स्टूडेंट्स। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट ई बुक भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो जो दो ई बुक्स के रिव्यूज़ हमें मिले हैं बच्चों के तो वो बहुत ही अच्छे थे, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे उसमें हम कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेटिंग अस एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई रियली लाइक योर कॉमेंट्स एंड आई रियली लव यू ऑल। तो आपके भी जो जितना भी प्यार है आप मुझे दे रहे हैं यहाँ पे, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग अस।